फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है और ये बताया गया है कि के हमारा नेगेटिव वन तो है नहीं, और बाद में ये भी बोला गया हैज इक्वल रूट्स। यहाँ से हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। जब इक्वल रूट्स होती है तो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल होता है जीरो के। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहले हम ए बी सी बता देते हैं। देखो ए क्या है, कोफिशियंट होता है ना एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है, के प्लस वन, के प्लस वन, ओके। और बी क्या है, कोफिशियंट ऑफ एक्स, एक्स को छोड़ के ये सारा आएगा, सिक्स नेगेटिव सिक्स ब्रैकेट के प्लस वन। और सी क्या है, थ्री ब्रैकेट के प्लस नाइन ब्रैकेट क्लोज्ड, ओके। अभी आगे सोल्व करते हैं, हम यहाँ लिखेंगे फोर इक्वल रूट्स, यहाँ पे पहले मेंशन था ना इक्वल रूट है, डिस्क्रिमिनेंट क्या आता है हमारा, जीरो आता है ना। तो अभी हम रखते हैं बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल्स टू जीरो। बी क्या है, नेगेटिव सिक्स ब्रैकेट के प्लस वन, ये कंप्लीट टर्म बी है, यहाँ पे हम ब्रैकेट लगाएंगे और पूरी टर्म का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। देन माइनस का साइन लगाएंगे, फोर इंटू ए क्या है हमारा, के प्लस वन, ब्रैकेट में लिख लेते हैं के प्लस वन इंटू, अब हम सी लिखेंगे, सी हमारा है थ्री ब्रैकेट के प्लस नाइन। ये स्क्वायर हटाते हैं, ये नेगेटिव सिक्स का भी है, नेगेटिव सिक्स को नेगेटिव सिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, थर्टी सिक्स। और के प्लस वन को हम ब्रैकेट के अंदर ही रखते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं। सिक्स का स्क्वायर तो हमने सोल्व कर दिया, इसका स्क्वायर एज इट इज रखा है, आपको पता ही है ना ब्रैकेट के बाहर जो स्क्वायर होता है वो दोनों नंबरों का होता है ना। देन नेगेटिव साइन है, फोर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं थ्री के साथ, फोर थ्री सा ट्वेल्व, और इनको एज इट इज रखते हैं, अभी हम इसको सोल्व नहीं करते। आप देखोगे कि इन दोनों टर्म के पास कुछ कॉमन है, उनको हम बाहर निकाल लेते हैं। देखो 12 यहाँ भी है और 12 के टेबल में 36 भी आता है, एक तो हम 12 को निकाल रहे हैं, और देखो k प्लस वन भी कॉमन है, इसके पास भी और इसके पास भी है, इसको भी हम ब्रैकेट के बाहर निकाल रहे हैं, k प्लस वन, दोनों टर्म्स में से हमने कॉमन निकाल लिया। अभी आगे करते हैं, ब्रैकेट लगा देते हैं पहले। देखो 12 से 36 को डिवाइड करते हैं तो 3 बचता है, और इस वाले टर्म में से एक के प्लस वन तो निकल चुका है, एक यहीं पे रह गया, तो यहाँ पे लिखेंगे के प्लस वन, ओके। नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन, 12 बाहर निकाल चुके हैं और के प्लस वन भी हम बाहर निकाल चुके हैं, रह क्या गया के प्लस नाइन। आगे सोल्व करते हैं, थ्री को इस ब्रैकेट वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, थ्री के देन प्लस का थ्री आएगा, ओके। इस वाले ब्रैकेट को भी ऑपरेट कर लेते हैं, यहाँ देखो नेगेटिव साइन है तो के हमारा माइनस का हो जाएगा और नाइन भी माइनस का हो जाएगा। अभी आगे करेंगे, अभी आप लोग प्लस माइनस कर लोगे, थ्री के में से नेगेटिव के जाएगा तो टू के बचेगा, और नेगेटिव नाइन में से थ्री चला जाएगा तो नेगेटिव सिक्स बचेगा। यहाँ मैंने इक्वल में जीरो नहीं रखी है, जीरो इक्वल रख के चलना, ठीक है। के की वैल्यू क्या निकल के आएगी, दो वैल्यू निकल के आएगी ना, एक तो इसके साथ हम जीरो रख के देखेंगे और एक टू के माइनस सिक्स के साथ जीरो रख के देखेंगे, दो फैक्टर निकले ना हमारे पास। 12 के ट्रांसपोजिंग करेंगे तो k प्लस वन रहेगा, 12 जीरो को डिवाइड करेगा तो जीरो ही हमारे पास आता है, वन के ट्रांसपोजिंग करेंगे ये जीरो में जाके माइनस करेगा तो k इक्वल्स टू नेगेटिव
वन आता है, जो कि क्वेश्चन में बोला था ये हमें नहीं लेना। तो हम दूसरे वाले सॉल्यूशन पे जाएंगे, 2k इक्वल्स टू 0 प्लस 6, k इक्वल्स टू 6 अपॉन 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आंसर आता है हमारा, k इक्वल्स टू 3 हमारा आंसर है।